विवेक पांडे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से यह बड़ी खबर है, विधान परिषद पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आज विधान परिषद में जवाब देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे सीएम योगी और सभी सवालों के जवाब देंगे सीएम योगी। तो इस वक्त मुख्यमंत्री विधान परिषद पहुंच चुके हैं, ये ताज़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। सभी सवालों के जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरकार की ओर से सरकार का पक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखेंगे। इस वक्त विधान परिषद पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त सदन में मौजूद हैं, सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे। और इस वक्त लखनऊ से निकिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। जी निकिता, ताजा अपडेट मिल रहा है, मुख्यमंत्री इस वक्त सदन पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में वो सरकार की ओर से जवाब भी रखेंगे। बिल्कुल विवेक, मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है आज और जिस तरीके से सरकार ने कल सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है जिस पर विपक्ष ऑलरेडी हमलावर है कि पहला बजट खत्म नहीं होता है और यहां पर सप्लीमेंट्री नाम का बजट आ जाता है। ताज़ा अपडेट आपको दे दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूँ तो विधान परिषद पहुँच चुके हैं और आज जो विपक्ष हैं उनके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही साथ कल जिस तरीके से बजट आया है उस पर भी चर्चाएँ होनी है। साथ ही साथ कल दो ऑर्डिनेंस हैं जो पारित हुए हैं। पहला परीक्षाओं को लेकर के जो छेड़छाड़ करते हैं उसमें जो सख्ती है वो बढ़ चुकी है और दूसरा अगर मैं बात करूं अवैध धर्मांतरण को लेकर के जिसमें रेक्टिफिकेशंस आए हैं यानी कि जिसमें जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा बदलाव के साथ संशोधन के साथ पेश किया गया है। तो विपक्ष पहले से हमलावर हो गया है। विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से सरकार ने इस पर कड़ाई बरती है ऐसे में जो राजनीतिक एक तरह से कह सकते हैं नफरत या राजनीतिक चीज़ें पर्सनल दुश्मनी भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए पहले जो नियम कहता था वो साफ तौर पर ये था कि अगर धर्म परिवर्तन होता है तो अगर कोई परिचित है, अगर घर का सदस्य कंप्लेन करता है तो फाइल होगा, लेकिन अब कोई भी परिचित अगर कंप्लेन करता है तो वो कटघरे के दायरे में आ जाएगा, उनको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। इस पर विपक्ष का साफ तौर पर ये पलटवार है सरकार पर कि ऐसे में तो अब राजनीतिक दुश्मनी भी लोग आमतौर पर निकाल लेंगे। दूसरी बात आपको बता दूं कि जिस तरीके से बजट को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो होनी है आज, जिसके लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और आज जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो बिजली को लेकर के जो विपक्ष है वो ऑलरेडी हमलावर था। तो तस्वीरें हम इस वक्त आपको लगातार विधानसभा की दिखा ही रहे हैं क्योंकि विधानसभा इस वक्त स्टार्ट हो गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आपको एक अहम जानकारी ये भी दूंगी कि जिस तरीके से अब एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ और आसपास के जिले को मिला करके एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने की जो तैयारी है इसके प्रकरण में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बिल पेश करेंगे। तो देखिए आसपास के जितने जिले हैं उन जिलों में लखनऊ के बगल में सीतापुर की बात कर लूं मैं, उन्नाव की बात कर लूं, रायबरेली, बाराबंकी, हरदोई जैसे हिस्सों को मिलाकर के बनाया जाएगा और साथ ही साथ आज बोनस ना देने पर जेल भेजने के कानून को खत्म करने वाला जो बोनस है यानी कि यूपी संशोधन विधेयक है वो भी पास किया जाएगा। इसमें जेल की जगह अब जुर्माने का प्राविधान है तो ये भी आज पटल पर रखा जाएगा, इस पर भी चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ कानपुर की अगर मैं बात करूं तो जो बदमाश विकास दुबे है उसके एनकाउंटर के बाद जांच के लिए जिस तरीके से एक आयोग बना था शशिकांत आयोग उसकी रिपोर्ट बुधवार यानी आज को आज विधानसभा पटल पर भी रखी जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से 2 जुलाई 2020 को बिकारू गांव की अगर मैं बात करूं तो 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था तो इन सभी की अगुवाई में आज जो एक आयोग का गठन हुआ था उसकी भी जो है फाइल वो आज पटल पर रखी जाएगी। तो इन तमाम चीजों पर आज का जो दिन है विधानसभा मॉनसून सत्र का जो तीसरा दिन है
वो होने जा रहा है जिसको जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से विपक्ष है उसके आज जवाब देंगे, तो जाहिर है कि बजट को लेकर के विपक्ष जरूर हमलावर होगा और कल जो ऑर्डिनेंस जो पारित हुए हैं उसको लेकर के भी जो विपक्ष के सवाल हैं उसका बखूबी से जवाब देंगे। बिल्कुल, आपने क्रमवार सारी बातें बताई हैं जिस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब देने वाले हैं। एक अगर हम बात करें SCR की फिर से, तो साउंड तो बहुत अच्छा करता है निकिता, ये SCR जिसमें जो हमारे पास जानकारी है कि लखनऊ के साथ ही हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और अयोध्या मंडल का बारामकी जिला इसे शामिल किया जाएगा, इससे सरकार को मतलब कितना लाभ मिलेगा, यानी कि आम जनता के तौर पर कितना फेवर मिलेगा सरकार को अगर हम ओवरऑल समझें इस योजना के बारे में, क्योंकि इसको अब अमली जामा पहनाना ही शेष है अब अगर समझा जाए तो। बिल्कुल विवेक, पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पहला, विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश हमेशा से बनाना चाहती है और ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के रूप में देखना चाहती है, जिसको लेकर के जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो साफ तौर पर जो सरकार है उनका यही मानना था कि अब किस तरीके से ऐसी क्या परियोजना लाएं जिसमें उत्तर प्रदेश को एक रफ्तार मिले। तो नई परियोजना के साथ साथ उन्होंने ये सोचा कि जो पुराने प्रपोजल्स हैं, जो पुरानी परियोजना है उस पर भी काम करना सबसे अच्छी बात होगी। तो ये मुद्दा ऑलरेडी उठा था, जिस तरीके से देखिए एक रफ्तार देने की मैं बात करूं तो जो अवैध और जर्जर पुल थे उनकी मरम्मत की बात। अब दूसरा, NCR की तर्ज, यानी कि अब उत्तर प्रदेश को एक स्टेप फॉरवर्ड की ओर से अगर हम देखें तो SCR की तर्ज, यानी कि लखनऊ के आसपास जिस तरीके से कानपुर है, सीतापुर है, उन्नाव है, उन सभी को जोड़ करके जिस तरीके से उनकी तर्ज पर SCR बनाने को लेकर के भी इस प्रकरण में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से विधानसभा में बिल पेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अहम कदम जरूर होगा जिससे सरकार के साथ साथ आम जनता को भी इससे राहत मिलेगी कि अब हम भी कहीं ना कहीं लगेगा कि वो डेवलपिंग चीज की तरफ आ रहे हैं। तो ये एक अहम पहलू जरूर है जिसको पारित होना आज पेश हो जाएगा और पारित होना बाकी है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया निकिता तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसी बीच अब एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर आपके सामने, आपको बता दें यूपी विधानसभा की कार्यवाही जारी है और थोड़ी देर में सदन में पेश होगा SCR विधेयक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लखनऊ समेत 6 जिलों से बनेगा SCR, NCR की तर्ज पर SCR बनने जा रहा है। सभापति जी ने आप सबकी भावनाओं से अवगत कराया है और जो भावनाएं आपकी हैं, पूरे सदन की हैं, ये तो ऐसे भी उच्च सदन है और उच्च सदन में जो माननीय सदस्य हैं उनमें सभी प्रकार के हैं। कुछ लोग स्थानीय निकाय संस्थाओं से चुनाव लड़के आते हैं, कुछ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़कर के आते हैं, कुछ लोग स्नातक मतदाताओं से चुनाव लड़के आते हैं और कुछ माननीय राज्यपाल के द्वारा अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों को के मनोनयन के माध्यम से यहाँ पर आते हैं। स्वाभाविक रूप से एक अपेक्षा भी होती है, सबका एक सार्वजनिक जीवन भी होता है और सरकार इन सभी चीज़ों पर ध्यान में रख करके हमें अपने स्टेटस को इस रूप में रखना चाहिए कि कॉमन मैन के साथ उसका जुड़ाव दिखना चाहिए। मुझे अभी कुछ देर पहले तो त्रिपाठी जी का लग रहा था कि वह एक शिक्षक नेता से अब श्रमिक नेता हो गए हैं, तो उन श्रमिकों के बारे में भी हमें देखना चाहिए कि प्रतिदिन कितनी मजदूरी पाते हैं, उनकी स्थिति क्या है। लेकिन इस सब के बावजूद जो कुछ महत्वपूर्ण व्यावहारिक चीजें आती हैं, जैसे उनकी ट्रेवलिंग अलाउंसेस का है या कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा के लिए है या मान्य जनप्रतिनिधियों को प्रदेश शासन के द्वारा संचालित जो अच्छे चिकित्सा संस्थान हैं
वहां पर स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिए पीआरओ की तैनाती के लिए है। इन सब पर या तो कार्य हुआ है या इस पर क्रमिक रूप से कार्य आगे बढ़ेगा और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करेगी और चेयर से जो भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश मिलेंगे सरकार उसका सम्मान करेगी। धन्यवाद। अपना धन्यवाद तो दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और यह भी अपेक्षा है सदन आपसे करता है कि ये जो 25,000 वेतन है और पेंशन है। नहीं नहीं लाल बिहारी जी, ये नहीं है बात, असली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले समय में एक समिति बनाई थी जो नए चुनाव आने के कारण वो अपना काम नहीं कर पाई आगे, तो इस कोरोना के काल में, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर लीजिए कि अगर उस पर विचार कर ले, कोई समिति बना दे तो कुछ हमें जानकारी नहीं थी इस बात की, हमें जानकारी। लाल बिहारी जी, अब आपको हम कितनी बातों की जानकारी देते रहते हैं लेकिन उसके बाद भी कभी कभी आप इतनी जिद करते हैं। नहीं सभापति महोदय, सरकार अंतरिम कोई कमेटी का गठन करती है तो मेरे जैसे व्यक्ति को उसकी जानकारी कैसे हो पाएगी, आप बताओ। अगर मानी लाल है उसका हम स्वागत करते हैं और चाहेंगे कि उस पर प्रभावी और तात्कालिक कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी करा दे। मानी लाल बिहारी जी, वो समिति तो सदन में ही तय हो गया था कि समिति बनेगी, तो वो सबको। हाँ कश्यप जी, कि कमेटी 5 साल में 7 साल में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। 7 साल नहीं, अभी कर्मचारियों का, अधिकारियों का, सबका वेतन। एक कश्यप जी, अभी कमेटी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। हाँ बताइए, मुख्यमंत्री जी हैं या कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? सब कुछ लेखा जोखा काम झाक उनके हाथ में है, तुरंत आदेश करें तो हो जाए, मेरा कहना ही है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी भावना से भी मुख्यमंत्री जी अवगत हो गए। तो नियम 39 की सूचना लेते हैं त्रिपाठी जी की। माननीय नेता त्रिपाठी जी, अब इसमें कुछ बोलिए मत, हम बोल दे रहे हैं आपकी तरफ से। माननीय नेता सदन, त्रिपाठी जी ने ये विषय उठाया था 28 पहले उठाया था 28 नवंबर 23 के पहले उठा था कि 28 नवंबर 23 को ही विषय उठा था 105 में, और उसमें माननीय नेता सदन ने यह आश्वासन दिया था कि इस प्रकरण की SIT से जांच कराएंगे और इसकी जांच रिपोर्ट 31 जुलाई 2024 तक प्रस्तुत नहीं हुई है। SIT का गठन हुआ, इसकी सूचना तो आई है यहां तक, लेकिन SIT के गठन के बाद SIT ने क्या कार्रवाई की है उस निष्कर्ष पर यह बात नहीं पहुंच पाई है। माननीय नेता सदन, आपको ध्यान आ रहा है जी? क्रम में SIT जांच समिति जो गठित की गई थी उसकी अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, आते ही सदन के पटल पे रखा गया। ये एनपीएस से संबंधित है, इसमें भारी घोटाला हुआ है और इसी पर आपकी कृपा से उदारता पूर्वक। देखिए त्रिपाठी जी, माननीय त्रिपाठी जी संभवतः इन सब बातों से अवगत नहीं है। NPS जब यहाँ लागू हुई थी 1 अप्रैल 2005 के बाद जो लागू हुई थी यहाँ पे, उस समय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। NPS की योजना के अंतर्गत उस समय तत्कालीन सरकार ने इस बात के लिए राज्य कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत उस समय का एक भाव, पेंशन के पीछे का भाव ये होता है कि लास्ट जो पे ड्रॉ की गई है उसका 50% उनको पेंशन के रूप में रिटायरमेंट के बाद मिले, और NPS न्यू पेंशन स्कीम उसी के तहत प्रदेश में लागू हुई, और प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में लागू हुई थी। इसके तहत उस निश्चित तिथि के बाद जिन कर्मचारियों की, सरकारी कर्मचारियों की तैनाती नियुक्ति होगी वे NPS से आच्छादित होंगे, उनके लिए एक नया अकाउंट खुलेगा,
उस अकाउंट में 10% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 10% कर्मचारी का होगा। 2005 में कैलकुलेशन के तहत ये व्यवस्था पूरे देश के अंदर लागू हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था, जिसने अपने यहाँ ये व्यवस्था लागू की थी। और इस व्यवस्था के अंतर्गत उन कर्मचारियों के अकाउंट खुलने थे। देखिए, मुझे बताते हुए बहुत खेद पूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है कि तत्कालीन सरकार ने 2005 से लेकर 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2007 से 2012 तक बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2012 से 17 तक फिर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला। इस सच्चाई इस माननीय उच्च सदन के सामने आना चाहिए, एक भी कर्मचारी के अकाउंट नहीं खोले गए। बल्कि जब 2018 में हमारे संज्ञान में बात आई थी, हमारी सरकार 17 में आ गई थी, लेकिन 2018 में मेरे संज्ञान में इस बात को आई थी, तो मैंने तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी। इस पे मैंने इससे संबंधित अकाउंट से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी रखा था, और मैंने कर्मचारी संगठनों से भी हम लोगों ने बातचीत की। केवल यह शिक्षकों से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रदेश के लगभग उस समय 8.5-8 लाख कर्मचारियों से संबंधित था। उन सभी कर्मचारियों से संबंधित ये मुद्दा था, और फिर ये व्यवस्था हुई कि लास्ट पे जो ड्रॉ होगी उसका 50% देने के लिए आवश्यक होगा कि सरकार अपना शेयर थोड़ा और बढ़ा दे, और उस शेयर को बढ़ाएगी तो अगर कर्मचारी भी अपना शेयर देता है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना शेयर समय पे जमा करती है, और एक उस पैसे को संबंधित कर्मचारी जो एनपीएस से आच्छादित है वह किसी स्कीम के साथ जोड़ता है, तो रिटायरमेंट के बाद वह लास्ट पे ड्रॉ होने की 60% से ऊपर उसको पेंशन की सुविधा प्राप्त हो सकती है। हमने उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 2019 में इस प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए अपना शेयर 10% से बढ़ा के 14% हमने किया है, 14% किया है। एक साथ 2019 में हमने 7.5 लाख से अधिक सरकारी जितने भी हमारे कर्मचारी थे जिनकी तैनात नियुक्ति इसके बाद हुई है, इन सब के अकाउंट खोले। अब तक 7.5 लाख कर्मचारियों के अकाउंट खोले गए हैं। पिछला पैसा 2005 से लेकर 2017 तक का जो पैसा जमा नहीं हुआ था, इसकी लगभग 10,000 की राशि थी, यह राशि भी हम लोगों ने एक मुश्त उन अकाउंट में डालने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। और आज मैं कह सकता हूं कि अगर उस व्यवस्था का लाभ कोई भी कर्मचारी लेगा तो उस कर्मचारी को लास्ट पे ड्रॉ के होने के बाद जब वह रिटायरमेंट होगा किसी स्कीम के साथ, बहुत सारी स्कीम चल रही है, उस स्कीम के साथ पैसा लगाएगा तो पेंशन के रूप में वह जो उस समय पेंशन के रूप में नहीं किसी भी उस योजना से लाभ प्राप्त करेगा तो 60% पेंशन की राशि के बराबर की राशि वह हर माह प्राप्त कर सकता है। यह उस योजना के तहत है और उसका लाभ कोई भी कर्मचारी उठा सकता है। दूसरा, आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने एक और निर्णय लिया कि बहुत सारे ऐसे अध्याचन थे जो न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद, उस योजना के लागू होने के बाद उन लोगों को तैनाती मिली। अध्याचन पहले से था, नियुक्ति की प्रक्रिया उनकी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन केवल वह अपनी सर्विस ज्वाइन नहीं किए थे। ऐसे लगभग 70,000 शिक्षक थे, सरकारी कर्मचारी थे, और शिक्षकों की संख्या इसमें ज्यादा थी। उन सबको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ जोड़ करके उन्हें भी हम लोगों ने लाभान्वित करने का काम किया है, और हमने उस योजना से भी उसको जोड़ा था। ये अपील मुझे लगता है कि यहाँ से हमारे जो शिक्षक संगठन है, जो हमारे जो शिक्षक नेता हैं, उन लोगों ने भी ये बात सरकार के संज्ञान में लाई थी और ये धनराशि हम लोगों ने उसमें जमा की थी। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई घोटाला है, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने पैसा नहीं दिया था। प्राइवेट बैंकों में जमा, प्राइवेट, ये दूसरा विषय है, ये दूसरा विषय है, ये तो न्यू पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये पैसा उनके पीएफ से जुड़े हुए पैसे का है जो कुछ जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा
उस धनराशि को कुछ प्राइवेट बैंकों में जमा करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और उस धन